साल देश के कई इलाकों में बारिश कम होने से लोग परेशान हैं। गुजरात के सूरत में लोगों ने इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए पानी से भरे टब में बैठकर यज्ञ किया। ये यज्ञ और पूजा हवन रूठे मानसून को मनाने के लिए की जा रही है। तस्वीर गुजरात के सूरत की है। लोग पानी से भरे टबों में बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं। दरअसल देश के कई इलाकों की तरह यहाँ की जमीन को भी बस बूंदा बांदी नसीब हुई है, लिहाजा थक हार कर लोग इंद्र देवता की शरण में चले गए हैं। मंत्रोच्चार विधि विधान से भगवान को मनाने की कोशिश की जा रही है। इसको पर्जन्य यज्ञ बोला जाता है। जो पर्जन्य यज्ञ भगवान वरुण को प्रसन्नता हेतु के हिसाब से किया जाता है, उसका महत्व यही होता है कि रुद्राष्टाध्यायी शिव की प्रसन्नता, उसमें अष्टाध्यायी का आठवां अध्याय मतलब शांति अध्याय, उसके दसवें मंत्र में लिखा है, वही मंत्र से आहुति करने से भगवान वरुण प्रसन्न होते हैं और बारिश तुरंत यानी के बहुत ही जल्दी गिरती है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक गुजरात में इस साल कम बारिश होने की संभावना है। ऐसे में यहाँ खेती के अलावा पीने के पानी का संकट भी खड़ा हो सकता है। हालांकि लोगों का मानना है कि पिछले साल भी यहाँ कम बारिश का अनुमान था, लेकिन यज्ञ के बाद अच्छी बारिश हुई। लोगों को उम्मीद है कि इस साल भी इंद्र देवता जरूर मेहरबान होंगे। साल भी हम लोगों ने आयोजन किया था, बारिश हुआ था, इस साल भी हमने वो अबाल पशु पक्षियों खेडूतों सबके लिए ये बारिश के लिए ये यज्ञ का आयोजन किया है। रिजवा और जल्दी से बारिश आए और मानव का कल्याण होगा, इसलिए मानव लोग चिंता में बहुत है, पानी के बहुत अच्छे थे, इसलिए हमने यह यज्ञ का आयोजन किया है। गौरतलब है कि गुजरात सहित दिल्ली और देश के दूसरे भागों में जून के दूसरे हफ्ते से अच्छी खासी बारिश होने लगती है, लेकिन अब जून बीतने वाला है, बावजूद इसके बरसात नहीं हो रही है, लिहाजा आम लोगों से लेकर किसानों तक को चिंता सताने लगी है। इस समय सूरत से कृतेश पटेल।